नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी अलीगढ़ ने कर दिया है। अब तो अलीगढ़ में अपना विश्वविद्यालय हो गया है। विश्वविद्यालय के लिए आपने ताली नहीं बजाई, लगता पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है क्या? अरे विश्वविद्यालय आपकी पीढ़ियों को बनाएगा, ये एक दिन के लिए नहीं है, कई कई पीढ़ियों को बनाने का कार्य करेगा। और याद करना, इसको एक प्रतिस्पर्धा में लेके आना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का विश्वविद्यालय वह आगे बढ़ता है या ये भी आगे बढ़ता है। बहनों भाइयों, उस प्रतिस्पर्धा के लिए आज अलीगढ़ को खड़ा किया गया है। आज अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है, अलीगढ़ आज स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। विकास और विरासत का यह अद्भुत समन्वय, सुरक्षा और समृद्धि का एक अद्भुत समन्वय, अलीगढ़ को एक नई पहचान दिला रहा है। और उन स्थितियों में भी अगर हम लोग उन लोगों को मौका देंगे जो लोग अपने करतूतों से ही जाने जाते हैं, कारनामों से ही जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी, इसकी पहचान क्या है, इसका असली चेहरा देखना है। अयोध्या में निषाद और कश्यप जाति की बेटी के साथ इनके नेता ने जो किया था, मोइन खान ने जो काम जो कृत्य किया था, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? इनके एक नेता कन्नौज में भी है, उसने जो कृत्य किया था एक बेटी के साथ में। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज के लिए कलंक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये लाल टोपी काले कारनामे, इसको पनपने मत दीजिए। उत्तर प्रदेश को ये लोग फिर से जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है, यह फिर से उत्तर प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल देगा। आपने देखा होगा कैसे ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं, कितना इन्होंने झूठ बोला था, अफवाह फैलाई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, आज तो एक्सपोज हो गए। कहते थे खटाखट खटाखट, कहां वो खटाखट है? एक एक लाख रुपए देने की जो बात कही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, आज वो कहां वो पैसा है? ये खटाखट नहीं, ये चुनाव आया है, अब इनका सफाचट कर दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।